मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। बात ये है कि घर दामाद लफ्ज जो है वो लफ्ज ही ऐसा है कि इसमें इज्जत मिलना ज़रा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना आरिफ हूँ, इस वक्त पी टी वी में मौजूद हूँ और सेट पर बैठी भी हूँ। यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, घर दामाद। ये एक कॉमेडी सोप है जिसको जब आप देखेंगे, जब ये ऑन एयर होगा तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा मुनफरिद करें, आम ड्रामों से थोड़ा सा हटकर इसको बनाएं। मेरे करियर का पहला सिटकॉम है, इससे पहले सारे सीरियस कैरेक्टर्स करता रहा हूँ। अब जब पहली बार कॉमेडी कर रहा हूँ तो मुझे लगा दिस इज लार्ज देन लाइफ। इतना अच्छा माहौल सेट पर होता है, इतना मजा आता है काम करने में और आप इतने खुशी खुशी घर वापस जाते हैं, बहुत मजा आता है। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। वेलकम गाइस, दिस इज साइश फातिमा। आज हम लोग हैं पीटीवी के ऑफिस में घर दामाद के शूट में और मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत खूबसूरत से सेट बनाए गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इस तरह इतने सारे कैमरे काम कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज ये ड्रामा जरूर जरूर देखिए। पी टी वी कराची वर्कर्स से हम एक नया सिटकॉम पेश करने जा रहे हैं घर दामाद के नाम से। बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और इसकी पेशकश जो है वो हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं बिलाल नकवी की है। बिलाल नकवी इस सिलसिले में शब रोज काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अपने लोगों में मकबूल होगा और शौक को शौक से देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, घर दामाद माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले स्टेज सिटकॉम है और सब दोस्त मेहनत कर रहे हैं। बिलाल नकवी हैं, सलीम कुरैशी और काफ़ी दोस्त हैं और ये टीम वर्क है और जो भी होता है ये हमेशा से ये रीत रही है। माशाल्लाह टीम वर्क है, टीम अच्छी हो। आर्टिस्ट तमाम बहुत अच्छे हैं, इमरान साजन है म्यूज़िक डायरेक्टर माशाल्लाह, और इंशाल्लाह हमारी काविश है रंग लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अयाज अहमद और आजकल आप ड्रामा देख रहे हैं घर दामाद। वैसे तो नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कितना फनी और कॉमेडी जो है ये सिटकॉम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी और इसमें जो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं वो हैं बिलाल नकवी, और बिलाल नकवी जब भी कोई चीज़ लाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लाते हैं। बहरा जी मेरी बेस्ट विशेज है, इसके साथ मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। मुझे तो बन के लग ही नहीं रहा कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ऐसे रियलिटी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आम जिंदगी की जो बातें हैं वो इस ड्रामे में आपको नजर आ रही है। तो बहरा बेस्ट विशेज इसके लिए, आप भी ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक। आजकल पीटीवी होम से ड्रामा चल रहा है कॉमेडी घर दामाद, उसे आप लोग जरूर देखें। बहुत अच्छी कॉमेडी और बहुत सुलझी हुई जो टीवी का मैार है हमारा हमेशा से कॉमेडी के मामले में, आपको उसमें ये मिलेगा, उसे जरूर देखें और आप सबको बहुत पसंद है। ये जो सीरियल हो रही है घर दामाद बहुत अच्छी सीरियल है, कॉमेडी है और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं बहुत जॉली किस्म के हैं। हमारा पूरा जिस तरह का माहौल है एक फैमिली जैसा माहौल है और हम मिल बांट के बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये है सैरिश जिनका मैंने मेकअप किया है, अभी ये सेट पे जाने वाली है। कास्ट हमारी शहजाद रजा है, रुबीना आरिफ है, फौजान है और सैरिश फातिमा है। शहजाद भाई के साथ काम करना तो बस ज़बरदस्त है, हम सेट पे मुसलसल हंसते ही रहते हैं उनके साथ। और जो अकबर रिजवी साहब हैं इसके स्क्रिप्ट राइटर, उनका लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब वो लिखते हैं तो हम मुसलसल उनके साथ हंसते ही रहते हैं और सेट पे एक बहुत अच्छा माहौल रहता है हमारे। तो राइटर को सलूट है मेरा, डायरेक्टर एक्चुअल वो उसको किस तरह ट्रीट करता है, उसमें किस तरह वो आर्टिस्टों को कहानी को सिचुएशंस को हंसने हंसाने को मैसेज को वो अपने साथ लेकर चलता है।